Hey beautiful people, welcome to Fundoo programming. मैं हूँ आपका दोस्त FundooBoy. दोस्तों 18 अक्टूबर 2006 ये वो दिन था जब माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को रातों रात बर्बाद करके रख दिया था. दरअसल हुआ ये था कि सन 2006 के दौरान जब इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे ज्यादा फेमस ब्राउजर हुआ करता था, तब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को हटा कर बिंग को इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफॉल्ट सर्च इंजिन बना दिया था. इसी वजह से एक ही रात में गूगल ने ऑलमोस्ट 300 मिलियन कस्टमर लूज कर दिए थे. और रिसर्च की माने तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि शायद आज हम गूगल को जानते भी नहीं, अगर उस समय पे सुंदर पिचाई अगर गूगल में ना होते तो. एक्चुअली 2004 में ही सुंदर पिचाई ने गूगल को ज्वाइन किया था. वो पहले से ही पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए उन्होंने अपनी इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करते हुए गूगल के इंटरव्यू को बड़ी ही आसानी से पास कर लिया था. और उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें गूगल के टूल बार के प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था. अब जब वो गूगल के टूल बार पे काम कर ही रहे थे, तभी मार्केट को डीप एनालाइज करने पर उन्हें ये अंदाजा हुआ कि एक्चुअली में अभी दुनिया में 90% लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो अगर किसी दिन माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ चेंजेस किए और अपना खुद का सर्च इंजिन लेकर आया तो गूगल को एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए उन्होंने ये बात उस समय के गूगल के सीईओ एरिक स्मिथ और फाउंडर लैरी पेज को बताई और सॉल्यूशन के तौर पर गूगल को अपना खुद का वेब ब्राउजर बनाने का प्रपोजल दिया. लेकिन उस समय पे किसी ने सुंदर पिचाई की इस बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया. मगर कुछ समय के बाद सुंदर की ये बात सच हो गई. 18 अक्टूबर 2006 ये वो दिन था जब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटा कर बिंग को डिफॉल्ट सर्च इंजिन में रख दिया और उसे लॉन्च कर दिया. और एक ही रात में गूगल ने एक ही झटके में अपने 300 मिलियन कस्टमर को खो दिए. और ऐसी भयंकर बर्बादी देख कर गूगल के सीईओ एरिक स्मिथ और फाउंडर लैरी पेज के तो होश ही उड़ गए. अब ऐसे हालात में उन्हें सुंदर पिचाई द्वारा कही गई बात याद आई और तुरंत ही सुंदर पिचाई को बुलवाया गया और गूगल की टीम और सुंदर पिचाई ने मिलकर क्विक सॉल्यूशन के तौर पे गूगल टूल बार को लॉन्च कर दिया, जिसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे यूजर को वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता था कि वो वापस से गूगल को अपना एक डिफॉल्ट सर्च इंजन बना सकते थे. इसलिए अब इस टूल बार की मदद से गूगल ने अपने खोए हुए 80% कस्टमर को फिर से वापस हासिल कर लिए. मगर तब तक सीईओ एरिक स्मिथ और लैरी पेज को इस इंडियन लड़के की वैल्यू समझ में आ चुकी थी. उन्हें पता चल चुका था कि इस इंडियन लड़के में कितना पोटेंशियल है और तभी से सुंदर पिचाई को विजनरी प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे पहचान मिली. इसलिए तुरंत ही उन्होंने सुंदर पिचाई को गूगल का खुद का वेब ब्राउज़र बनाने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें उस टीम का हेड बना दिया. अब ये चमत्कार रातों रात बिल्कुल नहीं हुआ था. ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश वो पिछले 2 साल से कर रहे थे, क्योंकि सुंदर बचपन से ही ये जानते थे कि किसी भी अनजान जगह पे अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी आप तभी बना सकते हो जब आप अपने काम में एक वाव फैक्टर लेकर आते हो जिसका रिजल्ट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन होता है. जैसे कि सुंदर पिचाई को बचपन से ही क्रिकेट खेलना बहुत ही पसंद था, मगर वो स्कूल में न्यू कमर्स थे इसलिए उन्हें टीम में उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था और ना ही उनकी कोई बात सुनी जाती थी. मगर जब एक दिन सुंदर को बैटिंग करने का मौका मिला तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का संपूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हुए चौकों और छक्कों की बारिश कर दी और उनका ये अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस देखकर सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई और तभी से स्कूल की टीम में सुंदर ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी और कुछ ही समय के बाद उन्हें टीम का कप्तान भी बना दिया गया था. तभी से उन्हें ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी थी कि अगर आप भीड़ में खड़े होकर चाहे कितना भी चिल्ला लो मगर फिर भी आपकी बात लोगों के कानों तक कभी नहीं पहुंचेगी, लेकिन जब आप मौका आने पर कोई ऐसा काम करके दिखाते हो जिसकी कल्पना कभी किसी ने अपने सपनों में भी नहीं की होती है तो उस दिन लोग अपने आप ही आपको सामने से ढूंढते हुए चले आएंगे. तो अपने बचपन में सीखा यही प्रिंसिपल उन्होंने सही समय आने पर गूगल में भी इस्तेमाल किया और एक ही झटके में अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी गूगल में स्थापित कर दी, जिसकी वजह से ही अब पूरी कंपनी में सुंदर पिचाई का नाम गूंजने लगा था. अब रिकॉग्निशन मिलने के बाद सुंदर पिचाई ने अपनी नई टीम के साथ मिलकर गूगल का अपना खुद का वेब ब्राउजर बनाने पे काम करने लगे. मगर वो ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि मार्केट में इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स ने ऑलरेडी अपने पैर जमा रखे हैं, इसलिए उनको टक्कर देने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा माइल अचीव करना ही होगा. मगर उसके लिए उन्होंने अपनी टीम से अंधाधुंध काम नहीं करवाया, क्योंकि वो ये अच्छी तरीके से जानते थे कि चाहे एक तीर कमान चलाने वाला खिलाड़ी निशाना लगाने में कितना भी महारथी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपनी आंखें बंद करके अंधाधुंध तीर चलाएगा तो उसका निशाना कभी सही बुलजाई पे लग ही नहीं पाएगा. इसलिए वो अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर स्प्रिंट प्लानिंग करते थे और उनका मंथली, वीकली और डेली टारगेट एंड गोल निर्धारित करते थे ताकि उनकी टीम का कोई भी खिलाड़ी अंधाधुंध मेहनत ना करें. साथ ही साथ वो इस बात का भी बारीकी से ध्यान रखते थे कि उनके एम्प्लॉयज के पर्सनल गोल एंड ड्रीम्स भी अचीव हो, जिसकी वजह से ही उनकी टीम ने पूरी डेडिकेशन के साथ काम किया और 2008 में गूगल
क्रोम ब्राउजर को मार्केट में लॉन्च किया, जिसकी इवेंट को होस्ट किया था सुंदर पिचाई ने। अब मार्केट में लॉन्च होते ही गूगल क्रोम ने अपने जलवे बिखेर दिए, क्योंकि सिर्फ कुछ ही दिनों में क्रोम ब्राउजर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला नंबर वन वेब ब्राउजर बन चुका था, जिसने इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स जैसे महारथी खिलाड़ियों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया था। और सुंदर पिचाई के इस कारनामे के चर्चे अब पूरी दुनिया में होने लगे थे। अब गूगल के साथ साथ पूरी दुनिया के मार्केट लीडर्स को ये पता चल चुका था कि मार्केट में इंडिया से एक नया महारथी जीनियस आया है, जिसने एक ही झटके में पूरी इंटरनेट की दुनिया को हिला करके रख दिया है। और इस ग्रैंड सक्सेस के बाद सुंदर पिचाई को 2008 में ही गूगल में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डेवलपमेंट की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया। मगर सुंदर पिचाई यहाँ पे भी नहीं रुके, वो कंटिन्यूसली अपने आप को और अपनी स्किल को हर रोज इम्प्रूव करते ही रहे, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरीके से समझते थे कि समंदर में जब मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए तूफानों से भरे समंदर के बीच में जाना पड़ता था, तब वो समंदर के तूफान का शांत होने का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि वो सबसे पहले अपनी नाव और अपनी मछली पकड़ने वाली जाली को मजबूत बनाते थे, ताकि वो भयानक से भयानक तूफानों का भी सामना आसानी से कर सके और समंदर का सीना चीर कर अपनी सफलता को हासिल कर सके। ठीक उसी तरह सुंदर पिचाई भी अपने आप को डेली अपग्रेड करते थे और हर रोज नई नई स्किल को डेवलप करके अपनी काबिलियत और अपनी प्रतिभा को और ज्यादा मजबूत बनाते थे, ताकि वो इन मछुआरों की तरह ही समंदर का सीना चीर कर अपनी सफलता को हासिल कर सके। उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने बाकी कई सारी गूगल प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाया और डूबते हुए गूगल को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया, जिसे देखते हुए गूगल ने उन्हें 2012 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, जिसके एक साल बाद उन्हें एंड्रॉइड टीम को भी लीड करने के लिए कहा गया, क्योंकि अब तक गूगल के सभी लोगों को ये यकीन हो गया था कि इस लड़के को रास्ते से उठाकर कोई भी प्रोडक्ट दे दो, वो उसे भी ग्लोबल लेवल पे नंबर वन बना देगा। और वही हुआ, जिस एंड्रॉइड ऐप को शुरुआती दिनों में नोकिया जैसी बड़ी कंपनी ने भी ठुकरा दिया था, उसी एंड्रॉइड ओएस को सुंदर पिचाई ने 5 बिलियन से भी ज्यादा लोगों तक बहुत ही कम कीमत में पहुंचाया, और देखते ही देखते एंड्रॉइड ओएस पूरी दुनिया भर में छाने लगा। इसलिए आज जो आप सभी के मोबाइल में एंड्रॉइड ओएस जो कम कीमत में पहुंची है, उसका लीडरशिप का पूरा क्रेडिट सुंदर पिचाई को जाता है, जिन्होंने अपनी इंटेलिजेंसी से पूरी दुनिया में एक और नया कीर्तिमान स्थापित करके दिखा दिया था, जो इवेंचुअली में गूगल के लिए एक बहुत बड़ा ग्रैंड सक्सेस था, जिसे देखकर गूगल ने सुंदर पिचाई को 2014 में हेड ऑफ प्रोडक्ट की पोस्ट दे दी। अब इस टाइम पर दुनिया की हर बड़ी कंपनी में सुंदर पिचाई फेमस हो चुके थे और कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी काबिलियत से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई थी कि वो उन्हें अपनी कंपनी का हिस्सा बनाना चाहती थी। जैसे कि ट्विटर ने सुंदर पिचाई को सीधा सीईओ बनने की ऑफर दे दी, और फिर कुछ ही दिनों में सबसे चौंकाने वाली बात ये हुई कि खुद माइक्रोसॉफ्ट से भी सुंदर पिचाई को सीईओ की पोस्ट के लिए अप्रोच किया जाने लगा। अब इस बात की जानकारी जब गूगल को हुई तो गूगल बहुत ही इनसिक्योर हुआ, क्योंकि अब तक गूगल काफी हद तक सुंदर पिचाई पे डिपेंड हो चुका था। इसलिए गूगल ने मार्केट की नीड समझते हुए सुंदर पिचाई को 2015 में गूगल का सीईओ बना दिया। मगर इस नई जिम्मेदारी के साथ सुंदर पिचाई को कई सारे नए चैलेंजेस और प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा था, जैसे कि कुछ देशों की गवर्नमेंट ने गूगल पे केस कर दिया कि वो सिक्योरिटी को वायलेट कर रहे हैं, जिसके लिए सुंदर पिचाई को एज अ सीईओ कोर्ट रूम के धक्के भी खाने पड़े। मगर अपनी समझदारी और रिमार्केबल प्रेजेंटेशन उन्होंने इस कोर्ट केस को भी बड़ी ही समझदारी से हैंडल किया और गूगल पे कोई भी आंच नहीं आने दी। साथ ही साथ उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ ड्रिवन कार जैसे कई सारे रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक संस्थापित किया, जिससे कि गूगल के सक्सेस रेट में और ज्यादा ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से ही उन्हें गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया, जिसके बदले में गूगल आज उन्हें दिल खोलकर सैलरी देता है। अगर मैं आज की बात करूं तो टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक सुंदर पिचाई को पर डे 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जो उन्हें इवेंचुअली पूरी दुनिया में सबसे महंगे और हाईएस्ट पेड सीईओ की लिस्ट में शामिल करवाता है। जिसके बदले में सुंदर पिचाई ये कहते हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, अगर आपके अंदर अपने काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे करने की काबिलियत है, तो इस दुनिया में आपको सफलता के शिखर तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये दुनिया उसी की सराहना करती है जिसके अंदर एक वाव फैक्टर क्रिएट करने की काबिलियत होती है। अगर आपके अंदर भी ऐसी ही काबिलियत है, तो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आपके अंदर भी ऐसी ही कोई काबिलियत छुपी हुई है, तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।